अरे हमारी असली संपत्ति क्या होती है? अगर हमारा लड़का चारित्र्यवान इंसान जब बनता है तो वही हमारी संपत्ति होती है। आज कहता हूँ बाबा साहब जी का संघर्ष कहता हूँ, अरे संविधान तो हमें मिला, लेकिन संविधान के हर पन्नों पर क्या लिखा है ये भी देखना बहुत जरूरी है, संविधान के हर पन्नों पर क्या है। माताओं, मेरे भाइयों, संविधान के हर पन्नों पर बाबा साहब जी का संघर्ष पहले है, संविधान के हर पन्नों पर बाबा साहब का बलिदान है। मैं कह रहा हूँ, होश पूर्वक कह रहा हूँ, राम जी, अगर तुम नहीं होते तो हमें बाबा साहब नहीं मिलते। राम जी, अगर तुम नहीं होते तो हमें बाबा साहब नहीं मिलते। और बाबा साहब कहते हैं मेरा तो संघर्ष जारी था, हर कदम कदम पर मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन मेरे साथ थी वो मेरी रमा थी। बाबा साहब कहते हैं रमा, अगर तू नहीं होती तो ये बाबा साहब नहीं होता। रमा, अगर तू नहीं होती, और मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर रमा ही ना होते तो बाबा साहब ना होते, और बाबा साहब ना होते तो ये संविधान ना होता, और अगर ये संविधान ना होता तो ये बलशाली भारत नहीं होता, माताओं 10 मिनट के अंदर मेरे अंदर की आग आपके दिलों को लगा कर यहाँ से चला जाऊंगा। बलिदान है माताओं, बलिदान है। याद रखना, जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे कहाँ, अमेरिका में, देख लेना हमारा एक बच्चा है, अगर उसको कुछ लगता है ना, अगर खून आता है, उसके पैर को कुछ पत्थर लगता है, खून आता है, तो एक माँ दौड़ कर जाती है, अपने बेटे को गले लगाती है, खून साफ करती है। लेकिन सुनना, अब सुनना, कैसे मिला हमें संविधान। ज्यादा वक्त आपका नहीं ले लूंगा, लेकिन सुनना होगा आपको संविधान कैसे मिला सुनना होगा आपको। ए बाबा साहब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, एमए कर रहे थे 1913 की बात कर रहा हूँ। जब बाबा साहब अमेरिका में थे तो बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, और मेरी माँ रमाई मुंबई में मेरी माँ रमाई थी। और क्या था घर में? कुछ नहीं था, सिर्फ दारिद्र था, खाने के लिए कुछ नहीं था, घर में बर्तन नहीं था, फिर भी रमाई संघर्ष कर रही थी, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ाना है, बाबा साहब के साथ रहना है, उनके हर कदम के साथ कदम उठाना है, क्योंकि प्रश्न एक छोटे से कुटुंब का नहीं था, प्रश्न था पूरे भारत का प्रश्न था। इसलिए बाबा साहब के साथ मेरी रमाई थी। और याद रखना, क्या बलिदान है ये बोलकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो बलिदान आपको सुनना होगा। बाबा साहब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, और जब बाबा साहब यहाँ से चले गए तो मेरी माँ रमाई 4 महीने का लड़का मेरी माँ रमाई के पेट में पल रहा था। चार महीने का एक लड़का छोटा सा माँ रमाई के पेट में पल रहा था। बाबा साहब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, और 6-7 महीने के बाद मेरी माता रमाई बाबा साहब जी को एक खत लिखती है। वो खत बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या है वो खत? उस खत में माँ रमाई ने लिखा था, बाबा साहब आपके चरणों को वंदन करती हूँ। एक माँ की हैसियत से
आपको बताना जरूरी समझती हूँ, इसलिए मैं ये खत लिख रही हूँ। लेकिन बाबा साहब आपको मेरी कसम है, इस भारत की कसम है, ये खत पढ़कर जो जो पढ़ाई के लिए आपने आपने किताब लिया है, उस किताब को नीचे मत रखना, उस किताब को नीचे मत रखना बाबा साहब। बाबा साहब ने खत पढ़ने के लिए शुरुआत की और मां रमाई ने उसने लिखा था, बाबा साहब जब आप चले गए तो हमें पुत्र रत्न हमें मिला जिसका नाम हमने रमेश रखा था। वो आपका इंतजार कर रहा था, उसके साथ मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। जब आप आओगे तो रमेश को गले लगाओगे, जब आप आओगे तो रमेश को हाथ में ले लोगे, मेरा बेटा बेटा कहकर उसको पुकारोगे बाबा साहब। लेकिन बाबा साहब तुम्हें और मुझे छोड़कर आपको देखे बिना ही अपना रमेश चला गया बाबा साहब अपना रमेश चला गया। लेकिन बाबा साहब ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद, आप किताब नीचे मत रखना। उस वक्त बाबा साहब के आंखों में शायद आंसू आए होंगे, वो आंसू पोंछते हैं, हाथ में कलम लिख लेते हैं, कलम उठाते हैं और उसी कलम से बाबा साहब मां रमाई को खत लिखते हैं। उस खत में बाबा साहब लिखते हैं, किताब तो मैं नीचे नहीं रखूंगा, लेकिन दवाई और खाने की वजह से इस भारत से कोई भी रमेश अपने माँ बाप को छोड़कर ना चले जाए, इतनी पढ़ाई करूंगा। अरे हमारे बेटे को एक पत्थर लगता है और खून आता है तो माँ चिल्लाती है, लेकिन बाबा साहब का बलिदान सुनिए, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अरे जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब को हार पहनाने से कुछ नहीं होगा, उनकी तस्वीर घर में लगाने से कुछ नहीं होगा, तो उनके विचारों का सागर हर रोज करना होगा, उनकी जयंती हर रोज करनी होगी साला। ये बाबा साहब है, कब हमें संविधान मिला, कब हमें संविधान मिला। मैं बोलता हूँ एक नहीं, इतना बोलकर रुकता हूँ, लेकिन याद रखना, एक नहीं माताओं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। पहले यशवंत थे, दूसरा रमेश, तीसरी इंदु, चौथा गंगाधर और पांचवा राजरत्न। पांच पुत्र, चार पुत्र और एक लड़की बाबा साहब जी को थे, और उनमें से चार बच्चों का बलिदान देकर संविधान लिखा है मेरे बाबा साहब ने। याद रखना, अरे इतने सस्ते मेरे बाबा साहब नहीं है। नीला शर्ट पहनने से जय भीम नहीं होता, उसके लिए बाबा साहब खून के कतरे कतरे में होने चाहिए। क्या किया बाबा साहब जी ने, चार बच्चों का बलिदान दे दिया तभी हमें संविधान मिला। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं। अरे जब वो टीवी पर, टेलीविजन पर मालिकाएं आती है, उसमें हम क्या दिखाते हैं। अरे बड़े पिक्चर, बड़े पर्दे पर पिक्चर आते हैं, उसमें हम क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ये युग पुरुष दिखाते हैं। अरे 23 साल की उम्र में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला भगत सिंह हम नहीं सिखाते बच्चों को, अरे मेरी रमाई नहीं सिखाते। अरे उस वक्त तो विधवाओं की शादी करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले हम दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलते। वो रमाई थी और वो सावित्री माँ थी। उस वक्त घर से बाहर निकली मेरी सावित्री माई,
इसलिए हजारों सावित्री माएं आज यहाँ बैठी है। याद रखना उनके बलिदान को।